नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज मित्रों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर के विषय में बात करूंगी। आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई पर्दे पर आना चाहता है, पर्दे पर दिखना चाहता है, चाहे वो यूट्यूब हो, टीवी का पर्दा हो, पिक्चर का मतलब फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर मीडिया इंडस्ट्री हो। आजकल ये बहुत ही सॉट आफ्टर करियर्स हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस विषय पर आज एक मतलब बातचीत की जाए कि अगर आप अपना करियर फिल्म में, मीडिया में, यूट्यूब पर, इस तरह की किसी भी जहां पर आप दिखते हैं, जहां आप पर्दे पर आते हैं, ऐसी किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से घर देखने होंगे, यानी कौन कौन से भाव कुंडली के देखने होंगे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो भी देखना होगा, और उसके बाद क्या कुछ खास कंजंक्शंस हो सकते हैं जो आपको इस तरह के करियर में आगे ले जा सकते हैं, उस पर भी बात होगी। चलिए शुरू करती हूँ आपका आज का वीडियो। करियर इन फिल्म्स, टीवी, मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक स्टार, जो भी आप आजकल जो भी देख रहे हैं उनमें आप कहीं ना कहीं कुछ बातें कॉमन ज़रूर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जितने लोग भी ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सब देखेंगे कि उनका कनेक्शन राहु से बन रहा है। यानी कि या तो राहु उनका दसवें घर के मालिक के साथ कनेक्ट बना रहा है, या राहु शुक्र के साथ कनेक्ट बना रहा है, या राहु बुध के साथ कनेक्ट बना रहा है। ये कनेक्ट चाहे कंजंक्शन हो, चाहे एस्पेक्ट हो, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, कुछ भी हो, लेकिन राहु से एक कनेक्शन अवश्य होगा। बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट हाउसेस कौन कौन से हो सकते हैं। आप लोगों को मुझे समझ नहीं आएगा, अगर दिखे तो मैं दिखा देती हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आप इसको एक बार ध्यान से सॉरी देख लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो सबसे पहली बात यह है कि इम्पॉर्टेंट हाउसेस कौन से हैं। सबसे पहला हाउस है एसेंडेंट, यानी कि कोई भी चीज़ आपको देखनी हो, करियर हो, पैसा हो, प्रसिद्धि हो, आप एसेंडेंट को तो भूल ही नहीं सकते। यानी कि पहला घर तो हर में जाएगा, तो इसमें भी हो गया, और यहाँ पर तो पहला घर बहुत ज़्यादा जाएगा क्योंकि आप ही तो दिख रहे हैं, आप ही तो आ रहे हैं ना पर्दे पर, आप ही तो छाए हुए हैं पर्दे पर। तो ये जो है एसेंडेंट, पहला घर कौन सा देखा जाएगा, एसेंडेंट। दूसरा है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारी कुंडली की क्रिएटिव फील्ड है, हमारा पैशन है, और फिफ्थ हाउस की चीज़ों को हम बहुत मन से नर्चर करते हैं क्योंकि संतान है ना। संतान के साथ आप जितने पैशनेट होते हैं, जितना उनको आगे बढ़ाने में जितना आप मन लगाते हैं, शायद ही किसी चीज़ में लगाते हैं। तो फिफ्थ हाउस हमारा पैशन होता है, उसमें हम बहुत जुट के काम करते हैं, तो और ये हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का हाउस है। तो इसलिए पांचवा घर दूसरा इम्पॉर्टेंट हाउस है इस चीज़ को देखने के लिए। तीसरा जो है, हाँ, अगर फिफ्थ हाउस कैसे देखेंगे, फिफ्थ हाउस का अगर कनेक्शन लग्न से है, लग्न लॉर्ड से है, दसवें घर से है, टेंथ लॉर्ड से है, अगर ये कनेक्शन बन रहा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा या ये व्यक्ति इस तरह के किसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है। माना जैसे दसवें घर का मालिक पांचवें में बैठा हो, पांचवें घर का मालिक लग्न में चला गया हो, इस तरह से कोई भी कनेक्ट होगा तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तीसरा होगा थर्ड हाउस। तीसरा घर जो होता है वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंक्लिनेशन, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ थर्ड हाउस है।
तो पहला हुआ लग्न, दूसरा हुआ पांचवा घर, तीसरा हुआ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का भी कनेक्ट अगर लग्न के साथ है, पांचवें घर के साथ है, दसवें घर के साथ है, तो आप इस तरह से ये क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। चौथा जो बड़ा भाव होगा वो है नाइन्थ हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका सीधा संबंध हमारे थर्ड हाउस से बनेगा, इसलिए नाइन्थ हाउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर जैसे बृहस्पति में नाइन्थ हाउस में बृहस्पति बैठ जाए तो वो तो पांचवें को भी देख लेंगे। सो नाइन्थ हाउस भी कहीं ना कहीं इन यानी कि इन फील्ड्स में अगर आपको काम करना है तो फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, नाइन्थ, इनके कनेक्शन आप हर किसी की कुंडली में पाएंगे ही पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कनेक्शन ना हो और आप इस तरह की किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। अगर आप किसी गलत ग्रह की दशा में ऐसी फील्ड में आ भी जाएंगे तो नाम नहीं होगा अगर ये कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। लिख कर रख लीजिए, वीडियो को कई बार सुनिएगा जो समझना चाहते हैं, और ध्यान से अपनी अपनी हॉरोस्कोप्स में लगाइएगा। अब इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं रखते हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध और लग्न लॉर्ड। चंद्रमा, शुक्र, बुध और लग्न लॉर्ड, और इनमें से अगर चंद्र, बुध और शुक्र में से किसी का भी कनेक्शन केतु के साथ होगा तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्मों से ही वो स्किल्स लेकर आ रहा है, और सच मानिए कि वो एक बड़ा प्रसिद्धि या बड़ा नाम कमा सकता है। वो सारी मतलब जिसको आप कहते हैं ना वर्जनाओं को तोड़कर आगे बढ़ेगा और क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम ज़रूर बना लेगा। तो इन चार ग्रहों को देखिए, इन चार ग्रहों का इन भावों से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ से कनेक्शन देखिए, आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या आप सेल्यूलॉइड, फिल्म, कैमरा, लाइट्स, इन सब के बीच में अपना करियर बना सकते हैं। राहु वीनस का कंजंक्शन, जैसा मैंने कहा था कि राहु का इन भावों के साथ कनेक्ट बन जाए तो भी आप इन फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक जिसको आप कहते हैं जादुई कॉम्बिनेशन है राहु और शुक्र का। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से बनता हो, प्लेसमेंट, कंजंक्शन, नक्षत्र एक्सचेंज, जो भी है, अगर इनका बनता है तो आप बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध, मतलब आपके नाम का एक हिस्टीरिया हो सकता है। आप इतनी प्रसिद्धि इन फील्ड्स में पा सकते हैं। इनका राहु और शुक्र की तीसरी और पांचवी पोजीशन, 5-9 पोजीशन, 1-7 पोजीशन, कोई भी अगर ऐसी होगी तो आप बड़ा नाम इस फील्ड्स में कमा सकते हैं। देखिए, एक हॉरोस्कोप मैंने लिया था इसमें प्रियंका चोपड़ा का, ये इसमें देखिए ये सर्किल किया हुआ है राहु और वीनस का थर्ड हाउस में कंजंक्शन। देखिए दूसरा है करीना कपूर का, करीना कपूर का जो कंजंक्शन है वो है वीनस और राहु का सातवें घर में, यानी चंद्रमा की राशि में। मत भूलिए कि अब आप कहेंगे कि चंद्रमा का कनेक्शन, चंद्रमा की राशि में शुक्र और राहु साथ हैं, चंद्रमा देख रहा है। वीनस और राहु हो गए, मैंने कहा ना केतु अगर चंद्रमा या बुध या इसके साथ होगा तो ये आपको बहुत, अब पिछले जन्म का मतलब आप समझ लीजिए कि ये कलाकारों के परिवार में ही जन्मी और फिर कलाकार बनी, और कलाकार भी ऐसी वैसी नहीं बनी, काफ़ी नामचीन बनी, इनकी अदाओं के लाखों लोग दीवाने हो गए। तो थर्ड हाउस यानी इस फील्ड से पर्दे पर आने की जो फील्ड है इससे रिलेटेड अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इन पॉइंटर्स को दिमाग में ज़रूर रखें। देखिए ये मेरी अपनी समझ का, जो भी मैंने अभी तक देखा समझा उस हिसाब से मैंने बनाया। आप लोग और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती केवल यही हैं, लेकिन ये मेन पॉइंटर्स हैं, इससे नहीं नकारा जा सकता, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो अगर ये ग्रह आपके हॉरोस्कोप में बलवान है, ये हाउसेज आपके घर में एक्टिव हैं,
तो क्यों देर करते हैं, आ जाइए स्क्रीन पर। धन्यवाद। चलिए आप लोगों से फिर मिलूंगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट में लिखें, पर्सनल चार्ट पर डाउट्स ना लिखें, मैं यहाँ पर आंसर नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ, जैसे आप अगर किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं और वो जनता के हित में है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं बनाऊँगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। धन्यवाद।